एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ऑयल फ्री रेसिपी है। एक बहुत ही यमी और डिलीशियस स्टार्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो है रोस्टेड पाइनएप्पल। यूजुअली हम पार्टीज में जो स्टार्टर्स खाते हैं या बाकी इतनी सारी चीजें खाते हैं कि हमारी जो गट है वो थोड़ा सा खराब हो जाती है, उसको अच्छा करने के लिए अगर आप अपनी पार्टी में एक रोस्टेड पाइनएप्पल की रेसिपी भी रखते हैं तो वो खाने में भी बहुत यमी रहती है और आपकी गट के लिए भी बहुत अच्छा है। बस पाइनएप्पल के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो तो एक तो लेक्सेटिव होता है, यानी अगर आप उसको लार्ज क्वांटिटी में खाएंगे तो आपका टमी जो है वो अपसेट हो सकता है। दूसरा कि ये हाई इन शुगर होता है, अदरवाइज अगर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे बनाना है रोस्टेड पाइनएप्पल, लेट्स गो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रोस्टेड पाइनएप्पल बनाने के लिए हमें यहाँ पर पाइनएप्पल चाहिए। तो पाइनएप्पल को आपको ध्यान देना है कि पाइनएप्पल आपको राइप पाइनएप्पल लेना है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसकी जो ऊपर पत्तियां होती हैं अगर हम उसको पुल करके देखेंगे, उसको खींचेंगे, अगर पत्ती आसानी से निकल जाती है इसका मतलब आपका पाइनएप्पल जो है वो अच्छे से पका हुआ है। आप उसको इंस्टेंटली किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसको कट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा नाइफ लिया है, शार्प नाइफ अगर आप लेंगे तो आपका पाइनएप्पल बहुत आसानी से कट जाएगा। पहले हम इसका फ्लावर वाला पार्ट कट कर देते हैं, उसके बाद हमें पाइनएप्पल को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हम पाइनएप्पल का जो बाहर शेल है, जो कवर है, उसको हम बहुत ध्यान से कट करेंगे ताकि हम कोई एक्स्ट्रा पाइनएप्पल कट ना करें। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल बाहर से कट चुका है। अब हम इसको, अभी भी आप देखेंगे इसमें आइज अभी भी आपको दिख रही हैं, अगर ये आइज आप खाते हैं तो आपको गले में खुजली होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको आइज को कट करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप सारी आइज रिमूव कर सकते हैं और ये एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन भी बन जाता है, ये देखिए। और ये जो आप आइस रिमूव करते समय जो आपके पास पाइनएप्पल का पार्ट्स बच रहे हैं उनको आप चाहे तो ट्रैश कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको उनका जूस निकाल के आप एज अ फेस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको बीच से कट कर देते हैं और हम इसकी स्लाइसेस बना लेते हैं। स्लाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पाइनएप्पल को स्लाइसेस में कट करते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पाइनएप्पल का जो मिडल पार्ट होता है वो भी एडिबल नहीं होता है, तो जब आप उसकी स्लाइसेस करें तो आप उसका मिडल पार्ट भी रिमूव करें। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल ऑलमोस्ट कट चुका है। अब यहाँ पर हम इनको स्क्यूअर्स में फिट करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई आई और दिख रही है तो आप उसको कट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको स्क्यूअर्स में लगा दिया है। पाइनएप्पल को स्क्यूअर्स में लगाते समय आप बहुत ध्यान रखें क्योंकि पाइनएप्पल बहुत सॉफ्ट और वाटरी होता है, तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे स्क्यूअर्स में लगाने के लिए तो पाइनएप्पल टूट जाएगा, तो आप बहुत ध्यान से पाइनएप्पल को स्क्यूअर्स में लगाएं। अब हम अपनी सीजनिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर रोस्टेड क्यूमिन लिया है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिया है, कोरिएंडर पाउडर लिया है, व्हाइट सॉल्ट, चिली पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कायन पेपर यूज कर रही हूँ, अदरवाइज आप स्टोर बॉट तंदूरी सीजनिंग भी यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत स्ट्रांग होती है तो इसलिए आप इसको बहुत थोड़ा सा ही एड करें। अब हम अपनी सीजनिंग को पाइनएप्पल के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप जितना ज़्यादा मसाला खाना पसंद करते हैं आप उतनी ही इसमें स्प्रिंकल करें, अदरवाइज आप बाद में भी चाट मसाला ऐड कर सकते हैं रोस्ट होने के बाद। अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं वो पाइनएप्पल एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद हम एक नेट ले लेते हैं,
अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली नेट पर भी आप स्क्यूअर्स फिट कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पर चारकोल यूज कर रही हूँ। इजिली मार्केट में अवेलेबल होता है। आप इसको इस नेट के ऊपर चारकोल को रखें और उसके बाद आप अपने सारे जो स्क्यूअर्स हैं वो लगा दें। और ये देखिए, आपको इसमें बिल्कुल भी ऑयल की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपका जो पाइनएप्पल है वो काफी जूसी होता है। जब आपको लगे आपका पाइनएप्पल रोस्ट हो रहा है तो आप इसको टर्न कर दें। इसको रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है। 10 से 15 मिनट में आपका जो पाइनएप्पल है वो रोस्ट होके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारे पाइनएप्पल बिल्कुल रेडी है। आप इन रोस्टेड पाइनएप्पल्स को आप मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अपने आप में सार है तो मेयोनीज इसको बैलेंस कर देती है। और जिन लोगों को थोड़ा तीखा खाना पसंद है उन लोगों के लिए आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इंजॉय करिए और ट्राई करिए।